और शव अभी नीचे है, पुलिस मौके पर है। यहाँ पर SDPO साउथ और बहुत दर्दनाक हादसा, क्योंकि ये विक्रम चौक में दिन के समय में भी यहाँ पर महिलाएं बच्चे लोग जो हैं वो सड़क पार करने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क बना रहता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी लगातार गाड़ियाँ जो है वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। और रात के समय यहाँ पर और कई ज़्यादा फ्लड लाइट्स भी यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, लेकिन अभी तक वो फंक्शनल नहीं है, चलती नहीं है। और जिस कारण रात के समय और खासतौर पर जब बहुत ऐसी तेज गाड़ियों की चपेट में आकर महिलाएं, ये परिवार के लोग बहुत ज़्यादा दुख में हैं। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये चौंकाने वाली घटना है, क्योंकि परिवार की जो सदस्य हैं वो उनकी इस तरह से मौत हो जाती है सड़क पार करते हुए। ये बहुत दुखद है और यहाँ पर इस तरह से ये पूरे समाज के लिए एक चिंताजनक घटना है, क्योंकि सड़कों पे और जो यातायात से जुड़े हुए मामले कई सारे देखने को आते हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं और लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। लेकिन बिल्कुल भीड़ भाड़ वाले और इस व्यस्त विक्रम चौक में, जहाँ पर एक तरफ से यूनिवर्सिटी से जो रास्ता जो है इस तरफ आता, दूसरी तरफ सतवारी सिटी वर्ल्ड यहाँ को पुल जाता है, और फिलहाल के परिजन बुरा हाल है। पुलिस हालांकि जो घटना को परिवार वालों से बात करके बताया जा रहा है कि गाड़ी का नंबर भी सही हो गया, और उसके बिना पर जो भी अंजाम दिया है उसे फिर ऐसा जो भी गलत पकड़ा गया है, पुलिस कह रही है। Thank you.
मैं अगर अज मेरी गल सुनो जो मैं लेने दी नहीं सू एक मेरी गल सुनो मैं आख्या अगर नहीं हो तो मैं सू रस्ते सारे सीधी गल जल्दी जल्दी सू लगना चाहिए ठीक है लेकिन गड्डी नंबर क्या सर गड्डी नंबर गड्डी नंबर नहीं सर नहीं है साढ़े को आइडेंटिफाइड है एफ आई आर की कापी चाहिए तुम्हें भी दस्या हूँ नंबर हूँ मैं ये हमें भी नहीं पता घर पे अच्छा। क्योंकि जहाँ पे क्रॉस की है और इतना बड़ा चौक है इतना हादसा ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पे पुलिस कहाँ गई कहाँ थी वो पुलिस वहाँ थे ट्रक वाले कहाँ थे ये चौकी अफसर बड़े घंटे के बाद आए सारे ये साथ में है चौकी हमारे यहाँ पे ऐसी बात ही नहीं है लेकिन फिर भी क्या करें वो भी हमें पता चला कि मेरे मन लगी मेरी भाभी लगती है दूर को क्या करोगे आप क्या उम्र होगी महिला इनकी उम्र कम से कम 50 के करीब होगी 50 के करीब करीब सिग्नल भी गलत है उन्होंने सामने देखा सिग्नल में यहाँ पे ट्रैफिक कर्मी होते ही होते हैं मेरी गाल शादी मेरी गाल सुनिए आप लाल लाइट जब रेड लाइट चलती है तब भी गाड़ी जाती है ट्रैफिक वाले तब भी नहीं रुकते हैं किसी के चलाने ये हाँ यही चलानी होता है ये मैं कह रहा हूँ लेकिन यहाँ पे लाइट भी नहीं है कोई कैमरा ही नहीं है कैसे होगा ये तो चलो मैं लेके दी उनको बाहर की होती रहती पड़ी यहाँ पे इनको तो सिर्फ चाहिए कि चलान करना और बाद में भाग गए खड़े थे जब लोग इकट्ठे हुए ना सारे वो आए उन्होंने दो बैरियर उठाए सामने रखे लोग इकट्ठे हुए उसके बाद हमने पीछे देखा ट्रैफिक वाले गायब और सिग्नल रेड लगा हुआ जेब्रा क्रॉसिंग पे देखो आप एक्सीडेंट देखोगे ना बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग पे हुआ ट्रैफिक ये यहाँ से ना घर का अपना डेली रूटीन बेचारे इनके हस्बैंड यहाँ पे रेडी लगाते हैं बेचारे एक नान की रेडी लगाते हैं डेली रूटीन में दिहाड़ी लगा के अपना गुजारा करते हैं घर की दाल वगैरह लेके थोड़ा सामान लेके जेब्रा क्रॉसिंग पे देखो एक्सीडेंट बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग पे हुआ जेब्रा क्रॉसिंग से वो क्रॉस कर रहे थे गाड़ी आया ओवर स्पीड से बिल्कुल हिट किया क्रश करके निकल गया पता ही नहीं चला ट्रैफिक वाले सामने खड़े हैं उनको बोला उनको पता क्या भैया ऐसे खड़े हुए गप्पे लगा रहे थे जब कोई विदाउट हेलमेट जाए ना तो ऐसे सुरंग से निकलते पता नहीं चलता दो मिनट में रोक लेंगे जब आज पता चला ना कि नहीं कल्पिट भाग गया उनके सामने जब लोगों ने उनको बोला मौके पर रोको चेस तो करो उनको उनको चेस करना क्या वो खुद ही गायब हो गए देखो अभी तक नहीं दिखे और पौने घंटे के बाद हमारे चौकी अफसर बिल्कुल पास है कोई एक घंटे के बाद चौकी अफसर आ रहा है एक घंटे के बाद हार्डली पैदल ही जाए एक मिनट का डिस्टेंस है ना लोग इकट्ठे हुए हैं क्या यहाँ पे जिप्सी लगी हुई है फ्लाइंग के लिए इसने नहीं बताया वहाँ बिल्कुल एक घंटे के बाद तुम्हारा झूठा आश्वासन दे रहे हो गाड़ी पकड़ी क्या बता अभी बोल रहे हैं हवाई फायर है हवाई तीन है गाड़ी पकड़ ली कहाँ पकड़ी गाड़ी दिख रहा है आपको दिखे गाड़ी कहाँ पे कहाँ पे बस वो यही कह रहे हैं वो यही देख रहे हैं ना कि पब्लिक इकट्ठी हो रही है सिचुएशन संभाले मौका संभाले बस यहाँ से एक बार डेड बॉडी उठा लें तो बाकी जो होगा कागजी कार्रवाई बाद वो सिर्फ हवाई बातों में आपको दिख रही है वो कह रहे हैं गाड़ी पकड़े आपको दिख रहा है कहाँ पकड़ी गाड़ी देख रहे कहाँ दिख रहा है मेरी बात मेरी डीएसपी साहब मैंगी साहब से बात हुई है हाँ वो कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेवारी है मैंने कहा अगर नहीं जिम्मेवारी हमें सब काम करने आते हैं ऐसी बात नहीं है बाद में कहते लेडी मैं लेडी नहीं करते हम सही काम करते हैं जिसका भी काम करें लीडी करने वाले पीछे से बातें करते हैं हम मैदान में बात करेंगे इंसान की जान चली गई और फिर वहाँ पे वहाँ पे लीडी का क्या मतलब है फिर हमें बोले वो लीडी कर रहे हैं हम खुद लीड रहे हैं मतलब कोई हाई प्रोफाइल फैमिली का होता शायद हाँ तो फिर ये अभी तक होते गरीब है कौन पूछा एक पूरा सवा घंटा हो गया डेड बॉडी पड़े हुए किसी ने कोई स्टेशन नहीं भेजा कुछ नहीं किया हाँ और क्या करें हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा ये अभी क्या कह रहे हैं पार्टी उठवाइए तो हमारे साथ बात हुई है कि मैं मैं गारंटी लेता हूँ अच्छा। मैं किसी ने बोला मैं गारंटी लेता हूँ मैं बाद में भी बोला कहता ठीक है अगर नहीं करेंगे तो हमें रास्ते दूसरे भी आते हैं अच्छी बात ये रहने वाली कहाँ की ये रहती है यहाँ पे है और इतने गरीब हैं रेडी लगाते हैं इसका डेरी और कैसे दो बच्चे हैं ये बहुत दुखद घटना है आपको बताऊं विक्रम इनका जो बेटा ना वो सामने रेडी लगाता है खाने की तो जे अभी मेरे सामने जे गए सामने गए क्रॉस करने लगे थे।
तो इतनी देर में अंधेरा था, गाड़ी चली गई। ट्रैफिक वाले आ नहीं थे ये उधर पाली साइड से, इस साइड से। ओ भाव जी परसों देखा नहीं, ओ परसों देखा नहीं, मुझे एक चीज बताओ यार, मुझे पहले अपने वाले को दिख दूंगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं क्या करूँ, मैं भेज दूंगा पे बैठे हैं अभी, मगर ये ट्रैफिक वाले कहाँ हैं? डबल हेलमेट का चलान रखा है ना, पीछे बैठने वाले का भी 1,000 रुपया, लाइसेंस का भी 1,000 और पोल्यूशन का 10,000 कुछ भी रखा है यार, ड्यूटी तो दो चलान देते हैं ना। नहीं आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक वाले खाली गलत है? दिन में ही चलान करते हैं ना, दिन में भी नहीं करते भाई, दिन में नहीं करते, उनका उनको कोटा दिया होता है कि आज इतने चलान करने हैं, पकड़ो। स्पोर्ट्समैन बच्चा आता है या यूनिवर्सिटी से कॉलेज से कोई बच्चा आता है ना, उसको तंग करते हैं ट्रैफिक। आप कहते हैं कोरोना चल रहा है, कहाँ कोरोना, मेट्रो रोड देखो सुषमा पिटिन डिशनी की, जेब कट्टे सारे उसमें बैठे होते हैं, लेडीज बैठती हैं, 20 बार बताया ये सारी औरतें पर्स पॉकेट मार रहा है। दूसरा नंबर गाड़ियाँ देखो फुल, कितनी सीटें हैं अलाउड की हैं, हम ठीक है, वो क्या कनेक्टर ड्राइवर कनेक्टर कहता है क्या करना चाहिए, जैसे एक्सीडेंट हुआ इसके बारे में क्या करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ट्रैफिक होना चाहिए जहाँ पे, इंसाफ चाहिए। पहली बात तो ये फैमिली है मेरी, मैं ये चाहता हूँ इंसाफ मिले हमें, नहीं कि हर इंसान को मिले। क्यों रेड सिग्नल लगाए हैं, कैमरे लगाए हैं, स्मार्ट सिटी किस चीज़ के लिए है? मतलब चोरियाँ हो शरे, हम चोरियाँ हो रही हैं, गुंडागर्दी हो रही है, गाड़ियाँ ऊपर चढ़ रही हैं, पुलिस वालों का काम है, मैं मानता हूँ कि चौकी वालों का काम है, मैंने क्राइम किया मुझे पकड़ेगी अरेस्ट करेगी, ट्रैफिक वालों को भी है ना कुछ, इन्होंने भी सोचना ना कुछ। हम कहते हैं जम्मू वाले गाली निकालते हैं बसंत रात को, मैं कहता हूँ वो ठीक था, इनको डंडा तो देता था जैसे हमें लगता था, इन्हें भी लगता था, पता वो आ गया संकी है वो।